हेलो दोस्त। तो मथी से पढ़ाई पढ़ाएगा आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार। सो आज हम लोग 8वें लेक्चर में हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस देखेंगे दोस्त। तो ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं आपके, आपको ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन सातों का एक्टिव टू पैसिव वॉइस का लेक्चर अपलोडेड है। आपको यूट्यूब पे जाना है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और अंजन शर्मा लिख के सर्च कर देना है, आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिलेगा। उन वीडियोस को देखना है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने आएंगे, क्योंकि आपके 2022 के अकॉर्डिंग नए तरह से, नए तरीके से, नए नज़रिए से, जुगाड़ू तरीके से पढ़ाया गया। आपको टेक्निक्स भी दिए गए हैं, आपको स्ट्रक्चर भी याद करने के लिए भी दिए गए हैं, और आपको दो तरीके से बताया, एक हो जो कमर्शियल जो चलते आ रहा है उसको, और एक जो नए एडवांस तरीका जिससे हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2022 में हैं, तो 2005 के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई करेंगे। तो इस बात को समझते हुए आपके भाई ने ये चीज़ जाना है कि भाई उस लेवल का पढ़ाई होना चाहिए, तो उस लेवल का जुगाड़ू तरीका आपके भाई ने बनाया। तो आपको बस करना है क्या है दोस्त, आपको ये करना है कि आपको उन वीडियोस को देखना है, ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो, ताकि एक्टिव पैसिव वॉइस का कभी भी आपको क्वेश्चन आए और आपको इंग्लिश में बोलने में बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि अपना मेन गोल है सब भारत का हर बच्चा इंग्लिश बोले, एक बड़ा रिवोल्यूशन लाना है, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो गया है वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में। इसलिए इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश आएगा आपको तभी बहुत 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 आप आगे जाओगे दोस्त, हर चीज़ इंग्लिश में आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस बात को समझो दोस्त। सो समय नहीं बर्बाद करेंगे, आपको लास्ट में वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताना है कॉन्सेप्ट समझा या नहीं। तो आपके भैया का आपको पता है कि आपके भैया आपको लिए कुछ एजेंडा रखते हैं। तो पहला एजेंडा रहता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ, यानी ज़िंदगी खुद के बनाने के बारे में है दोस्त। दूसरा एजेंडा रहता है टू मेक यू मनी, आपको पैसा बनाना होता है। तीसरा टू कीप यू क्रिएटिव, आपके दिमाग को विकसित करना होता है। चौथा टू इवॉल्व योर माइंड सेट, आपके दिमाग को विकसित करना है। और पांचवा रोज टू बिल्ड नॉलेज, आपको ज्ञान के सागर को भर देना है आपके अंदर। और इतना आपके भाई, आपका दोस्त, आपका यार करता है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपका प्यार दिखाना है। वो प्यार कैसे दिखा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप ही के लिए, आप ही दोस्तों के लिए, आप ही यारों के लिए ये वीडियोज आते हैं और आते रहेंगे, रोज आएंगे। तो आपको मोटिवेशन और एजुकेशन सेक्टर में हमेशा आपका दोस्त, आपका यार, आपका भाई हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा करना है, और दो चीज़ ज़िंदगी में ज़रूर करना है दोस्त, हमेशा सीखते रहें, कीप लर्निंग। जब तक सीखिएगा तब तक आपकी तरक्की तय है, जिस दिन सीखना बंद कर दोगे दोस्त उस दिन आपकी तरक्की रुक जाएगी। तो सीखते रहना है और कीप सपोर्टिंग अंजन शर्मा, अंजन भैया को सपोर्ट करना है, अंजन दोस्त को सपोर्ट करना है। कैसे करोगे दोस्त, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अंजन शर्मा का, और वहाँ पे आप जाओगे अबाउट सेक्टर में, आप अंजन शर्मा के होम पेज पे जाना चैनल के, और उसके बाद अबाउट में जाना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा और फेसबुक का लिंक मिलेगा। आपको तीनों को जाके फॉलो वगैरह कर लेना है, क्योंकि आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे विथ PDF फॉर्म, तो आप उन चीज़ों को सेव करके रख सकते हो, आप कर सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि कॉपी में बनाना नोट्स बहुत बेनिफिशियल रहेगा दोस्त। सो होपफुली आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, होम पेज पे जाके चैनल के अबाउट सेक्टर में जाके आप इस चीज़ को देखोगे कि वहाँ पे आपको तीनों चीज़ों को फॉलो करोगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करोगे, क्योंकि आप ही के लिए है नोट्स, मैं आपके लिए डालता हूँ दोस्त। जितना नोट्स वगैरह से आप रिवाइज करो, जितना वीडियो देख के रिवाइज करोगे, उतना ही बेनिफिशियल होगा। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं दोस्त, एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, किसका, पास्ट परफेक्ट का, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, और जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, उनका एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन देखेंगे, और क्लास में आपको वर्कशीट कराया देंगे आपके भैया, आपके दोस्त, आपका यार, और आपको होमवर्क देगा आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार। तो आपको पढ़ना है बस मेरे यार, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जुगाड़ जो देता है आपका यार, वो क्या है मेरे यार, तो पढ़ लो मेरे यार,
अर्थात आपको कुछ नहीं करना है, रेगुलर रिविजन इज की सक्सेस, मतलब लगातार अभ्यास कुंजी है सफलता की, मतलब कुंजी मतलब चाबी, आप लगातार अभ्यास करोगे दोस्त, लगातार आप रिविजन करोगे तो आपकी जो भी सफलता है वो एकदम मिलेंगी ही मिलेंगी, इस बात को याद रखना दोस्त। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इस जिन बंदों को स्ट्रक्चर रिविजन याद करके रटू टूते हैं, जो चाहते हैं कि हम रट के कमाल कर देंगे, तो लो भाई आप रट लो, रटने के लिए कोई मना ही नहीं है। अभी तक बहुत लोग रटते ही आए हैं आज तक ज़िंदगी में, और रट के ही बहुत कुछ कमाल किए हैं, तो उन लोगों के लिए रटने के लिए अच्छा है। तो उनको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो अब इसका पैसिव करना है तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। दूसरा है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तीसरा है कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव होगा हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चौथा है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव होगा हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। वाई प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव हैड वाई प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर लास्ट है y प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव y प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भीतरी प्लस y प्लस सब्जेक्ट। तो दोस्त आपको बस एक चीज़ याद रखना है, आपका भाई बताता है वो क्या चीज़ है दोस्त, आपको जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा है, आप मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में आपको एक्टिव वॉइस लिखे हुए हैं और राइट साइड में आपको पैसिव वॉइस लिखना है। जिनको लेफ्ट साइड नहीं समझ में आता उनके लिए भाई, जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है ना वो एक्टिव वॉइस वाला है, और जो ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है ना वो पैसिव वॉइस वाला है, जस्ट सामने एक्टिव के सामने पैसिव लिखा हुआ है। तो चलो पढ़ते हैं। कह रहा है कि अंजन भैया टॉट यू, अंजन भैया आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसका पैसिव है यू हैड बीन टॉट बाई अंजन भैया, आपको अंजन भैया के द्वारा पढ़ाया जा चुका है। अंजन भैया हैड नॉट टॉट यू, अंजन भैया आपको नहीं पढ़ा चुके हैं, तो इसका पैसिव होगा यू हैड नॉट बीन टॉट बाई अंजन भैया, आपको अंजन भैया के द्वारा नहीं पढ़ाया जा चुका है। तीसरा हैड अंजन भैया टॉट यू, क्या आपको अंजन भैया पढ़ा चुके हैं, तो इसका पैसिव है हैड यू बीन टॉट बाई अंजन भैया, क्या आपको अंजन भैया के द्वारा पढ़ाया जा चुका है। चौथा है हैड अंजन भैया नॉट टॉट यू, क्या आपको अंजन भैया नहीं पढ़ा चुके हैं, तो इसका पैसिव हैड यू नॉट बीन बाई टॉट बाई अंजन भैया, तो क्या आपको अंजन भैया के द्वारा नहीं पढ़ाया जा चुका है। पाँचवा है वाई हैड अंजन भैया टॉट यू, आपको अंजन भैया क्यों पढ़ा चुके हैं, तो इसका पैसिव है वाई हैड यू बीन टॉट बाई अंजन भैया, आपको अंजन भैया के द्वारा क्यों पढ़ाया जा चुका है। छठा है वाई हैड अंजन भैया नॉट टॉट यू, आपको अंजन भैया क्यों नहीं पढ़ा चुके हैं, तो इसका पैसिव वाई हैड यू नॉट बीन टॉट बाई अंजन भैया, आपको अंजन भैया के द्वारा क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका है। तो इस तरीके से मैंने इन चीज़ों को बताया। अब जो स्ट्रक्चर्स पे याद करके जाना चाहते हैं जाएं, और जो जुगाड़ू तरीके से समझना चाहते हैं उनके लिए बोलूँगा बस दो मिनट रुक जाओ, तीन और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद एक साथ में एक जुगाड़ू मंत्र दूंगा जिससे आपके 12 का हो जाएगा, 6 इसका एक्टिव का और उन 6 का पैसिव। कैसे करोगे आप, बस को आपको एक स्ट्रक्चर याद करने, एक से मैं बाकी 11 स्ट्रक्चर मैं याद कराऊँगा। बोल रहे हो कैसे भाई, अरे देखो यार कराएगा आपका भाई, बोल रहा है तो कराएगा यार, उसका काम है कैसे कराएगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। सो ये एग्जांपल देखो, ये बोल रहा है कि अंजन भैया हैड लव्ड यू, अंजन भैया आपको प्यार कर चुके थे, तो इसका पैसिव है यू हैड बीन लव्ड बाय अंजन भैया, आपको अंजन भैया के द्वारा प्यार किया जा चुका था। अंजन भैया हैड नॉट लव्ड यू, अंजन भैया आपको प्यार नहीं किए, नहीं अंजन भैया आपको प्यार नहीं किए थे, तो इसका पैसिव होगा यू हैड नॉट बीन लव्ड बाय अंजन भैया, आपको अंजन भैया के द्वारा प्यार नहीं किया जा चुका था। हैड अंजन भैया लव्ड यू, क्या आपको अंजन भैया प्यार कर चुके थे, तो पैसिव है हैड यू बीन लव्ड बाय अंजन भैया, क्या आपको अंजन भैया के द्वारा प्यार किया जा चुका था। चौथा है हैड अंजन भैया नॉट लव्ड यू, तो इसका पैसिव हैड यू नॉट बीन लव्ड बाय अंजन भैया, क्या आपको अंजन भैया के द्वारा प्यार नहीं किया जा चुका था। पाँचवा है वाई हैड अंजन भैया लव्ड यू, आपको अंजन भैया प्यार क्यों कर चुके थे, तो इसका पैसिव हो वाई हैड यू बीन लव्ड बाई अंजन भैया, आपको अंजन भैया के द्वारा क्यों प्यार किया जा चुका था। और छठा है वाई हैड अंजन भैया नॉट लव्ड यू, आपको अंजन भैया प्यार क्यों नहीं कर चुके थे, तो
आप इसका पैसिव है वाई हैड यू नॉट बीन लव्ड बाय अंजन भैया, आपको अंजन भैया के द्वारा प्यार क्यों नहीं किया जा चुका। सो दोस्त हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल भी देख लिया, आते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि दोस्त से तो मन भरता नहीं है हमको पता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि यू दे हैड हेल्प यू, वे लोग आपके मदद कर चुके थे, तो इनका इसका पैसिव है यू हैड बीन हेल्प बाई देम। यहाँ पे अंजन गलत है भैया, यहाँ पे यू हैड बीन हेल्प बाई देम होगा, अंजन देम नहीं होगा, देम होगा। तो इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेना है। दूसरा ये टाइपिंग एरर है। दूसरा है हैड डे हैड नॉट हेल्प यू, वे लोग आपकी मदद नहीं कर चुके थे, तो इसका पैसिव होगा यू हैड नॉट बीन हेल्प बाई देम, आपको उन लोगों के द्वारा मदद नहीं किया जा चुका था। हैड दे हेल्प यू, क्या वे लोग आपकी मदद कर चुके थे, तो इसका पैसिव हैड यू बीन हेल्प बाई देम, क्या आपको उन लोगों के द्वारा मदद किया जा चुका था। चौथा है हैड दे नॉट हेल्प यू, क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर चुके थे, तो इसका पैसिव हैड यू नॉट बीन लव्ड बाई देम, क्या आप लोग को उन लोगों के द्वारा मदद नहीं किया जा चुका था। पांचवा है वाई हैड दे हेल्प यू, वे लोग आपकी मदद क्यों कर चुके थे, तो इसका पैसिव वो है वाई हैड यू बीन हेल्प बाई देम, आपको उन लोगों के द्वारा क्यों मदद किया जा चुका था। छठा है वाई हैड दे नॉट हेल्प यू, वे लोग आपको मदद क्यों नहीं कर चुके थे, तो इसका पैसिव होगा वाई हैड यू नॉट बीन हेल्प बाई देम, आपको उन लोग के द्वारा मदद क्यों नहीं किया जा चुका था। तो इस तरह से आपने तीन एग्जांपल देखे। मुझे पता है दोस्त तुम कहोगे कि एक और, क्योंकि कहते हैं कि जाम पे जाम हो जाए तो और अच्छा, जाम पे जाम हो जाए तो और अच्छा, और एक एग्जांपल के बाद एक और हो जाए तो और अच्छा। तो दोस्त माय फादर हैड गाइडेड यू, मेरे पिताजी आपको गाइड कर चुके थे, तो इसका पैसिव होगा यू हैड बीन गाइडेड बाय माय फादर, आपको मेरे पिताजी को द्वारा गाइड किया जा चुका था। माय फादर हैड नॉट गाइडेड यू, मेरे पिताजी आपको गाइड नहीं कर चुके थे, तो इसका पैसिव होगा यू हैड नॉट बीन गाइडेड बाय माय फादर, आपको मेरे पिताजी के द्वारा गाइड नहीं किया जा चुका था। हैड माई फादर गाइडेड यू, क्या मेरे पिताजी आपको गाइड किए थे, गाइड कर चुके थे, तो इसका पैसिव होगा कि हैड यू बीन गाइडेड बाई माई फादर, क्या आपको मेरे पिताजी के द्वारा गाइड किया जा चुका था। चौथा है हैड माई फादर नॉट गाइडेड यू, क्या मेरे पिताजी आपको गाइड नहीं कर चुके थे, तो इसका पैसिव होगा हैड यू नॉट बीन गाइडेड बाई माई फादर, क्या आपको मेरे पिताजी के द्वारा गाइड नहीं किया जा चुका था। पांचवा है वाई हैड माई फादर गाइडेड यू, मेरे पिताजी आपको क्यों गाइड कर चुके थे, तो इसका पैसिव होगा वाई हैड यू बीन गाइडेड बाई माई फादर, आपको मेरे पिताजी के द्वारा क्यों गाइड किया जा चुका था। वाई हैड माई फादर नॉट गाइडेड यू, मेरे पिताजी आपको गाइड क्यों नहीं कर चुके थे, तो इसका पैसिव होगा दोस्त वाई हैड यू नॉट बीन गाइडेड बाई माई फादर, आपको मेरे पिताजी के द्वारा क्यों नहीं गाइड किया जा चुका था। तो चार एग्जांपल का मैंने दिखाया कि चार एग्जांपल के पहले उसके एक से कैसे छः हम लोग एक्टिव में उसका कन्वर्जन कर रहे हैं, उन छः का कैसे पैसिव में कर रहे हैं। दोस्त बात आती है कि मैंने बोला था एक स्ट्रक्चर से ये 12 याद करवा दूंगा, तुम वो सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो पॉसिबल मैं कराता हूँ। आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद है, आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका आपको पैसिव बनाना है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, हो गया एक का दूसरा बन गया, ठीक है। अब आप एक्टिव से एक्टिव का छह बनाना चाहते हो, तो आपको हैड और V3 के बीच में नॉट लगाना है, ध्यान से सुनो, हैड और V3 के बीच में आप नॉट लगा दोगे, पहले वाले स्ट्रक्चर में हैड और V3 के बीच में आप नॉट लगाओगे तो आपका दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। आप तीसरा बनाना चाहते हो एक्टिव का, कुछ नहीं करना, आपको पहले वाले में से हैड को बाहर निकालना है, तो आपका तीसरा बन जाएगा और बचे हुए वन को लिख देना है। आपको चौथा बनाना है, पहले वाले दूसरे वाले में से हैड को बाहर निकालना है स्ट्रक्चर में से, और बाकी बचे हुए दूसरे स्ट्रक्चर को लिख देना है, इस तरह आपका चौथा स्ट्रक्चर बन जाएगा एक्टिव का। एक्टिव का पांचवा बनाना है वाई या डब्ल्यू एच लगा के, आपको स्ट्रक्चर नंबर तीसरा लिख देना है। एक्टिव का छठा बनाना है वाई या डब्ल्यू एच लगा के, स्ट्रक्चर नंबर आपको चौथा लिख देना है। इस तरह से आपने छह एक्टिव का
कन्वर्जन का स्ट्रक्चर देख लिया। अब आप बोलोगे कि दोस्त इनका भी हमको पैसिव बेकार, तो ठीक है दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि पहला का था कि ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करना है जब आप पैसिव का दूसरा बना रहे हो तो पहले वाले स्ट्रक्चर में हेड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है और वही स्ट्रक्चर लिख देना है तो दूसरा बन गया। आप तीसरा चाहते हो बनाना तो आपको पहले पैसिव वाले स्ट्रक्चर में से हेड को बाहर निकाल के बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर नंबर वन को ही लिख देना है, तो इस तरह से आपका तीसरा बन जाएगा पैसिव का। चौथा स्ट्रक्चर आप पैसिव का बनाना चाहते हो, आपको हेड को बाहर निकालना है दूसरे वाले में से और बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर नंबर दो को ही लिख देना है, इस तरह से आपका चौथा बन जाएगा। आप पाँचवा चाहते हो स्ट्रक्चर बनाना, आपको वाई या डब्ल्यू एच लगा के आपको बचे हुए तीसरे नंबर स्ट्रक्चर को लिख देना है पैसिव वॉइस का, इस तरह से आपका पाँचवा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप छठा चाहते हो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना, कुछ नहीं करना दोस्त, आपको डब्ल्यू एच या वाई लगा देना है, बाकी बचे हुए सेंटेंस नंबर स्ट्रक्चर नंबर फोर को लिख देना है, इस तरह से आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर नंबर छठा पैसिव वॉइस का। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे एक स्ट्रक्चर से हम लोग पूरे 12 स्ट्रक्चर को याद कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लॉजिक पता चल रहा है कि कैसे हो रहा है। सो ये चीज़ें आप समझोगे, समझ चुके हो। तो कुछ एग्जांपल और, उससे पहले आपका भाई इतना कुछ करता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर रखना है, ऑल पे कर देना है ताकि आपको जब भी वीडियोज अपलोड हो या किसी दिन लाइव वगैरह आए तो आपको जानकारी मिले, क्योंकि ये एडुकेशन एंड मोटिवेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आएगा आपका भाई। सो इस बात को याद रखो, अपना गोल ही भारत का हर बच्चा इंग्लिश बोले, इंग्लिश ग्रामर का महारत हासिल कर ले ताकि लाइफ में उसको कभी दिक्कत ना हो। एक वर्ल्ड वाइज लैंग्वेज लर्न किए रहोगे तो आपको किसी भी सेक्टर में कोई भी जॉब या किसी भी डिफेंस जेई नीट या किसी चीज़ की तुम तैयारी करोगे दोस्त, लाइफ में आप कुछ भी करना चाहोगे ना, आपको इंग्लिश आती है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ये चीज़ तुम समझो। तो इसलिए आपको बस ये कोई भी वीडियो देख सकता है, एनी सेक्टर एनी कुछ भी, ये कोई भी देख सकता है भाई, बिल्कुल हेल्पफुल है, दिस इज फॉर ऑल, ये सबके लिए है भाई, ये सार्वजनिक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है और कुछ नहीं करना, तो बस लाइक कमेंट शेयर करते रहना है, यही आपका प्यार है, यही आपका यार चाहता है आपसे, इतना तो आप कर सकते हो। आपका भाई को, आपको दोस्त को बहुत आप पे बिलीव है और दोस्तों को अपने बताएं कि हाँ एक चैनल आया है जो बहुत मस्त जुगाड़ू तरीके से इंग्लिश ग्रामर और एजुकेशन सेक्टर में बवाल मचाने के लिए आया है, और उसके वीडियोस देखो, तुम अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल, अदरवाइज जस्ट लीव इट, क्योंकि अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तभी उसको फॉलो करना चाहिए दोस्त। ये मेरा जुगाड़ भाई आपका बोलता है कि आपको अच्छे लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्त, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो स्ट्रक्चर बताता हूँ जस्ट, जैसे कि है कि आपको स्ट्रक्चर तो छः याद है, लेकिन एसर्टिव का स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया कि ऑब्जेक्ट प्लस हेड बिन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखो एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, आई हैड रिटन ए लेटर, तो इसका पैसिव होगा ए लेटर हैड बिन रिटन बाई मी, सी हैड लव्ड मी, तो इसका पैसिव होगा आई हैड बिन लव्ड बाई हर, दे हैव ईटन एप्पल, तो इसका पैसिव होगा एप्पल हैड बिन ईटन बाई देम, We had help you, तो इसका पैसे बाई यू हैड बिन हेल्प बाई अस। तो इस तरह से हम लोग चार एग्जाम्पल देखे, इन चारों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि सर्टिफिकेट कैसे सिंसेज हो रहे हैं। तो आप देखो दूसरा स्ट्रक्चर जो है निगेटिव का, वो स्ट्रक्चर ये है कि सबसे प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस उसका यही बी थ्री प्लस बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो स्ट्रक्चर होता है दोस्त। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इन चीज़ों को समझना है कैसे, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, तो इसका पैसिव होगा ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई मी, सी हैड नॉट लव्ड मी, तो इसका पैसिव होगा आई हैड नॉट बीन लव्ड बाई हर, दे हैड नॉट ईटन एप्पल्स, तो इसका एप्पल हैड नॉट बीन ईटन बाई देम्स, देम वी हैड नॉट हेल्प्ड यू, तो इसका पैसिव होगा यू हैड नॉट बीन हेल्प बाई अस। तो इस तरह से चार हमने निगेटिव का भी देख लिया, कैसे ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर का एक्टिव टू पैसिव हम लोग कैसे करते हैं।
सो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का ये रहा दोस्त कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट या शब्द। तो इस चीज को आपको समझना है दोस्त कि हैड आई रिटन लेटर तो इसका पैसिव हुआ, हैड ए लेटर बीन रिटन बाय मी, हैड सी लव्ड मी तो इसका पैसिव होगा हैड आई बीन लव्ड बाय हर, हैड दे ईटन एप्पल तो इसका पैसिव होगा हैड एप्पल बीन ईटन बाय देम, हैड वी लव हेल्प्ड यू तो हैड यू बीन हेल्प बाय अस, व्हाट हैड यू डन तो इसका पैसिव होगा व्हाट हैड बीन डन बाय यू, Why had you done that? तो इसका पैसे वो Why that had been done by you? Whom had you taught? तो इसका पैसे वो Who had been taught by you? What type of job had he got? तो इसका पैसे वो What type of job had been got by him? तो ये देख रहे हो दोस्त कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आप एक्टिव टू पैसिव देख रहे हो, किसका आप देख रहे हो, हम देख रहे हैं किस चीज़ का, एनीवन कोई बोले 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 हाँ हम लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो उसमें इंट्रोगेटिव का कैसे बदल रहा है ये चीज़ मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ हर चीज़ों को, ताकि आप इन चीज़ों को से फेमस हो जाए, इन चीज़ों से आपको पता चले कि कैसे हो रहा है। और कहते हैं ना प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, तो लगातार अभ्यास कीजिएगा तो ज़िंदगी में सफलता हाथ लगेगी लगेगी दोस्त। सो ये एक लास्ट है, उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्त एक बात याद रखना, आप उस मुकाम पर जब जाते हो ना लाइफ में, आप जब कुछ आगे चले जाते हो लोग आपसे बहुत जलने लगते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ सचिन तेंदुलकर सर, आप उनको जानते ही होंगे, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उनको। जब बहुत वो उन्होंने लगभग 70 या 80 लगभग उन्होंने शतक मार चुके थे, तब उन्हें एक ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज ने पहली बार आउट किया, ऑस्ट्रेलिया का कोई गेंदबाज था उस जिसने उनको आउट किया, और उनकी एक फ़ोटो आउट वाला फ़ोटो ले गया और उनसे ऑटोग्राफ लिया, कहा कि सर एक मुझे कुछ लिख दीजिए इस पर। तो सचिन सर ने लिखा उस पर दिस विल नेवर हैपन अगेन, आज के बाद तेरे ज़िंदगी में ये कभी नहीं होगा, और उसके बाद तुमको जान के बहुत दुख होगा मेरे दोस्त कि सचिन सर ने उसके बैंड बजा दी। किया क्या सचिन सर, उसके बाद वो और सचिन सर 42 बार सामने आए, लेकिन वो बंदा सचिन सर को ज़िंदगी में कभी दोबारा आउट नहीं कर पाया। तो इसे बोलते हैं जुनून, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। वो सचिन सर का कॉन्फिडेंस लेवल था कि उन्होंने उस पर लिख दिया कि दिस विल नेवर हैपन अगेन, आज के बाद तेरे ज़िंदगी में ये क्षण कभी नहीं आएगा, और वो कभी क्षण नहीं आने दिया। तो ऐसे ही आपको ज़िंदगी में अपने दोस्त अपने यार अपने दुश्मनों को बताना है कि ये चीज़ तेरे ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, जो आपको कम समझते हो उनको दिखाना है कि तुम कितने बड़े हो, तुमने कितने टैलेंट बड़े हुए, तुम क्या कर सकते हो, तुम जो कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता भाई। अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, तुम्हारे में क्या खासियत है, वो चीज़ को बस समझो, उसके बाद अपने सेक्टर में चले जाओ जिसके लिए तुम आए हो, कमाल दिखा दो यार। सब में कुछ ना कुछ क्षमता होती है दोस्त, बस पहचानने की और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो क्षमता पहचानाऊँगा मैं, प्लेटफॉर्म दिलाऊँगा मैं, करना पड़ेगा तुमको। सो यू हैव टू डू, आपको करना ही होगा अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, आपको करना पड़ेगा अपने गर्लफ्रेंड के लिए, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, आपको तरक्की करनी पड़ेगी, आपको अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पापा के लिए एकदम वो चीज़ें लानी पड़ेंगी, वो दिन लाने पड़ेंगे हंसने वाले दिन, तो उसके लिए मेहनत आज करनी पड़ेगी। चलो मोटिवेशन ख़त्म, सो आते हैं यहाँ पे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको मैं दो तरीके से बोलता हूँ इनको, इसको मैं बोलता हूँ WHO इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि इसमें WHO लगा रहता है, इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बोलता हूँ। लेकिन इसको लिखा है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई बात नहीं, लिखने का नज़रिया अलग अलग है, बात सेम है। सो इसका बोला हैड आई रिटन ए लेटर, तो इसका पैसिव होगा हैड ए लेटर बीन रिटन बाय मी, हैड सी नॉट लव मी तो इसका पैसिव होगा हैड आई नॉट बीन लव्ड बाय हर, तो हैड दे नॉट ईटन एप्पल तो इसका पैसिव होगा हैड एप्पल नॉट बीन ईटन बाय देम, हैड वी नॉट हेल्प यू तो इसका पैसिव होगा हैड यू नॉट बीन हेल्प बाय अस, व्हाट हैड यू नॉट डन तो इसका पैसिव होगा व्हाट हैड नॉट बीन डन बाय यू, Why had you not done that? इसका पैसिव होगा Why had that not been done by you?
हुम हैड यू नॉट टॉट, तो क्या पैसे हुआ, हु हैड बीन नॉट टॉट बाई यू, वेन हैड आई नॉट हेल्प यू, तो इसका पैसे हुआ वेन हैड यू नॉट बीन हेल्प बाई मी। तो इस तरह से हमने इसका भी देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आते हैं होमवर्क क्वेश्चन की बारी। तो ये लो मेरे यार मेरे दोस्त, ये कुछ और एग्जाम्पल है इसके बाद आएंगे आपके होमवर्क वाले, तो ये भी देख लेते हैं। ये कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं सब मिला के स्ट्रक्चर के। सम वन हैज़ इन्फॉर्म द पुलिस, तो इसका पैसे हुआ द पुलिस हैज़ बिन इन्फॉर्म बाई समवन या इन्फॉर्म्ड। आपको बताया था कि पैसिव में ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट को रख भी सकते हैं या डूअर को रख भी सकते हैं या नहीं भी रख, यहाँ पे इन्होंने नहीं रखा है, बट मैं जनरली बोलता हूँ रखा करो। चलो नहीं रखा तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को आपको पता है कि भाई रख भी सकते हैं नहीं भी रख। एनी बडी हैज़ स्टोलन माई बुक, तो माई बुक हैड बिन स्टोलन। यू हैड स्नेच्ड द हर्ड निकल है नेकलेस, तो हर नेकलेस हैज बिन स्नेच्ड। हैड ही रूलेंड हिज लाइफ, हैड हिज लाइफ बिन रूलेंड बाई हिम। हैड आई बिल्ड ए टेम्पल, हैड ए टेम्पल नॉट बिन बिल्ड बाई मी। हैड ही नॉट टेकन टी, तो इसका पैसिव हैड टी नॉट टेकन बाई हिम। Who had killed the snake? By whom the snake had been killed? Why had you insulted the teacher? तो इसका पैसे हुआ Why had the teacher been insulted by you? Where had he hidden my ring? तो इसका पैसे हुआ Where had my ring been hidden by him? Whom had they consulted in this regard? तो who had been consulted in this regard? तो इस तरह से पैसिव दोस्त बन चुके हैं। तो आपको बस देखना है, आप कुछ आपके लिए दोस्त ये चीज़ें हैं, आपको कुछ 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बस टाइम मिलता है, आपको बस 2 मिनट का टाइम है, इन 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आपका दोस्त आपका यार इन 200 का आंसर आपको बताएगा। क्योंकि अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, इसलिए आपको पूरा घर से अटेम्प्ट करना है दोस्त, उसके बाद इसका आंसर मिलेगा। क्योंकि आंसर देना बहुत ज़रूरी है, घर पे बनाने के बाद आपको वेरीफाई भी तो करना है ना कि भाई हाँ मेरा आंसर सही है या नहीं, इसलिए आंसर तो आपको मिलेंगे। सो यू हैव 2 मिनट्स, सो आपको करना है दोस्त। तो एक छोटी सी शायरी याद आ रही है मेरे मन में कि बालों की काली और ओठों की लाली, बालों की काली और ओठों की लाली, देखते ही फिसल जाते हैं ये मजलू और मवाली। बालों की काली और ओठों की लाली, देखते ही फिसल जाते हैं ये मजलू और मवाली। क्या करें मैं मेरे दोस्त, उन्हें क्या पता है, यही है उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाली। तो इस बात को याद रखना दोस्त, बाकी तुम्हारी अपनी सोच। So let's begin the answer of these 10 questions. So I am going to tell you all the answers. First I will start in the sequence manner. So here we begin. The answer of the first question will be that all the guilty persons had been arrested at once by police. Second, the answer of the second question will be 1/3 of the work had 1/3 of the work had have has been done by us. तीसरा का आंसर होगा दोस्त all the arrangement had been made by people. चौथा का आंसर होगा दोस्त a circular had been circulated in this regard by them. पांचवा का आंसर होगा why had India been compelled to sign CTBT by America. छठा का आंसर होगा had India been compelled to sign CTBT by America. सातवां का आंसर होगा what portion of work what portion of work had been done by
him before I came here. आठवां का आंसर होगा when had the race been on by him. नौवां का आंसर होगा दोस्त many hardships had already been suffered by him. दसवां का आंसर होगा दोस्त की where had my bag been kept by them. तो इस तरह से दसों का आंसर देख लिया. बचे 10 क्वेश्चन को आपको घर से फिर करना है. इस दसों का आंसर आपका भाई आपका दोस्त तुरंत 2 मिनट के अंदर बताने वाला है. तो आप कीजिए, तब तक के लिए एक छोटी सी साड़ी आपके लिए दोस्त आपका सोचे. तो दोस्त एक छोटी सी चाहिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक मत वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. सो दोस्त होपफुली आपने इन दसों का फिर से आंसर कर लिया होगा. तो इसका आंसर आपका दोस्त बता रहा है. सो 11 नंबर का आंसर होगा दोस्त हैड द रेड फोर्ट बीन विजिटेड बिफोर बाय यू. 12 का आंसर होगा द बिल्डिंग हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फायर. 13 का आंसर होगा द बॉय हैड बीन बीटन बाय समवन. 14 का आंसर होगा वाई हैड द रॉबर्ट्स बीन कॉट बाय द पुलिस रेड हैंडेड. 15 का आंसर होगा हैड द ट्रूथ नॉट बीन टोल्ड बिफोर द कोर्ट बाय यू. 16 का आंसर होगा बाय हुम हैड द क्लॉक बीन बाय हुम द By whom had the clerk been bribed? सत्रह का आंसर होगा दोस्त की माई लंच हैड जस्ट बीन प्रिपेयर्ड बाई माई मदर या मदर. 18 का आंसर होगा दोस्त 3 पर्सन हैड बीन अवार्डेड बिफोर 4 PM बाई देम. 19 का आंसर होगा दोस्त हाउ मेनी स्वीट हैड बीन ईटन इन द पार्टी बाय यू. और 20 का आंसर होगा हु हैड बीन हेल्प्ड बिफोर बाय यू. तो इस तरह से दोस्त हम लोगों ने इसको आज ख़त्म कर दिया. और इसी के साथ आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने दोस्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करना है, क्योंकि 8वां लेक्चर है. इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस का, उसके बाद हम लोग 1 सेट रिवीजन करेंगे इसका. तो एक्टिव पैसिव वॉइस को आपको करना है क्या है, अंजन शर्मा लिखना है आपको, एक्टिव वॉइस लिख के अंजन शर्मा लिख देना है, आपको मेरे सब लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और उसके बाद देखना है इन चीज़ों को. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ते रहना, कीप लर्निंग. थैंक यू.